हर समन्वय समिति की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज मैं देख रहा हूं सुबह से अखबारों में एक नारा है, वन नेशन वन टैक्स। तो यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन नेशन वन फार्मर्स ग्रुप, हम भी इस नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग आपके साथ हैं, जो साथी आपके सामने हैं, वो इस देश के जितने भी किसान संगठन हैं, बड़े किसान संगठन, किसान संगठनों के बड़े समन्वय हैं, फेडरेशन हैं, उन सब के अधिकांश प्रतिनिधि आपके सामने हैं। और हम सब लोग मिलकर पूरे देश में जो किसान संघर्ष है उसकी आगे क्या दिशा है, उसका आगे जो कार्यक्रम, उसके बारे में कुछ बात आपके सामने, कुछ कार्यक्रम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। मेरा काम केवल परिचय करवाना है सबका। हमारे साथ हैं श्री बी एम सिंह। बी एम सिंह जी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के एमएलए रह चुके हैं और गन्ना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई जीत चुके हैं। आप ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधि, आपके साथ हैं अनंत बौला जी। अनंत बौला जी को वैसे आप जानते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, आठ बार पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा के प्रतिनिधि के रूप में और अभी अभी भूमि अधिकार आंदोलन, जिसका तीसरा वार्षिक सम्मेलन रांची में हुआ, कल समाप्त हुआ, उसकी तरफ से एक संदेश देके आ रहे हैं। आपके दाहिनी तरफ हैं डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम जी मध्य प्रदेश के एमएलए रह चुके हैं। जब बोलताई में गोलीकांड हुआ था, जो इस देश के किसानों पे हुआ सबसे बड़ा गोलीकांड, उस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सुनीलम कर रहे थे, उसके मुकदमे भी झेलते रहे हैं। यहाँ हमारे बीच किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि के रूप में और नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, जो इस देश के जनसंख्या का सबसे बड़ा जनसंघ है, उसके प्रतिनिधि के रूप में, उसके नेशनल कन्वीनर के रूप में आपके साथ दशरथ जी हैं। दशरथ जी कोटा से आए हैं, हाड़ोती किसान संगठन की तरफ से, लेकिन यहाँ पे आप राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि के रूप में हैं। ये एक संगठन है जो पिछले 3-4 साल से देश के तमाम किसान संघों का समन्वय कर रहा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि बाकी साथी पहुंच नहीं पाए थे शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन उन सब ने इसको सपोर्ट एक्सटेंड किया है, उसके प्रतिनिधि के रूप में दर्शन जी। और हमारे साथ नपाल राणा जी भी हैं, वो भी इसी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, ये संगठन काम कर रहा है। मेरी बाई तरफ राजू शेट्टी जी हैं, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोकसभा के सांसद हैं महाराष्ट्र से। आपने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का खुल के विरोध किया, उसके खिलाफ मोर्चा लिया और महाराष्ट्र में किसानों का जो संघर्ष इस वक्त चल रहा, जो हड़ताल से शुरू हुआ और उसके बाद कर्जमाफी के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, उस समन्वय समिति का नेतृत्व करते हैं राजू शेट्टी जी। महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र की पूरी बात आप सामने रखेंगे। मेरे साथ हैं अमित शाह जी, स्वराज अभियान का जय किसान आंदोलन जो है उसके राष्ट्रीय कन्वीनर, और जय किसान आंदोलन खुद 40 किसान संघों का समन्वय। और हमारे साथ हैं श्री आशीष मित्तल जी, ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हमें इस सारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान महासंघ का भी सहयोग प्राप्त है, जिसकी मीटिंग कुछ दिन पहले हुई थी, जिन्होंने एक अलग महासंघ बनाया था, उनसे भी बात हुई 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को जब हमारी समिति की बैठक हुई, तो उसमें गुरनाम सिंह जी, हरपाल सिंह जी, पक्का जी आ नहीं पाए थे, उनकी तरफ से भी समर्थन था, ये सब लोग शामिल हुए। आज कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से दो साथी आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने चिट्ठी भेजी है, राष्ट्रीय किसान महासंघ की तरफ से भी चिट्ठी है इस कार्यक्रम में, जो सारा अभियान हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसके एक इसके समर्थन के लिए उनकी भी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनीलम से आग्रह करूँगा, इसलिए जी ने ट्रेन पकड़ती है, इन्हें जाना है आगे इंदौर, तो डॉक्टर सुनीलम से
आग्रह करूंगा कि वो जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से जो कार्यक्रम हम लेने जा रहे हैं, जो कार्यक्रम 6 जुलाई को मंदसौर से शुरू होगा, उसके बारे में कुछ बताएं, मध्य प्रदेश की परिस्थिति के बारे में दो शब्द। किसान संघर्ष समन्वय समिति और आंदोलन का राष्ट्रीय संगठन पिछले 20 साल से देश में किसान किसानी और गाँव को नष्ट करके विकास की दिशा तय करने का जो प्रयास हो रहा है उसके खिलाफ में संघर्ष करने का 250 देशभर के जन आंदोलनों के द्वारा जो प्रयास है उसका एक सामूहिक समूह है एलएपीएफ। अभी हम सब लोगों ने जो यात्रा तय की है किसान मुक्ति यात्रा, उस यात्रा की शुरुआत 6 जुलाई को मंदसौर के घाट रुपया नाम के स्थान से होगी। हम लोग सब वहां पर 6 तारीख की सुबह वहां शहीद किसानों का एक स्मारक किसानों के द्वारा बनाया जा रहा है, वहां पुष्पांजलि देंगे वही चौपाटी पर, और उसके बाद में इंडिया मंडी के अंदर शहीद किसानों की स्मृति के अंदर किसान महापंचायत होगी, और वहां से निकल के हम लोग एक अन्य गांव के अंदर श्री लालुआ वहां पर जाएंगे, और अगले दिन उज्जैन देवास इंदौर होते हुए विजयपुर जाएंगे, और अगले दिन वहां से भवानी और निसरपुर होकर के महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश हम लोग करेंगे। मैं इस समय एक तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ने किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे हैं। इस यात्रा के अंदर जो मुद्दे हैं मुख्य तौर पर वो अभी आपको योगेंद्र बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग किसानों के ऊपर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस हों और दोषी अधिकारियों पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाए और कानूनी तौर पर गोली चालना बंद हो। इस समय सरकार ने वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है नासुकता, और वो इसलिए उन्होंने लागू किया है क्योंकि वो डराना चाहते हैं जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, और आज वहां के सभी अखबारों में खबर छपी है कि किसान आंदोलनों को तस्करों के साथ में जोड़ करके अपमानित करने का और एक आपराधिक इस आंदोलन की पृष्ठभूमि साबित करने का जो प्रयास है हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने कर्जा मुक्ति और जो 50% किसानी की लागत के साथ जोड़ करके लाभकारी मूल्य तय हो, हम इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। शांतिपूर्ण हम लोग यात्रा निकालना चाहते हैं और ये हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी यात्रा के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी स्तर के ऊपर कोई बाधा नहीं डालेगी। अब मैं मनन बाबा जी से कहूंगा, जैसा मैंने बताया वो भूमि अधिकार आंदोलन जो कि 65 संगठनों का एक महासंघ है उसके वार्षिक अधिवेशन से आ रहे हैं जो कल रांची में समाप्त हुआ, तो उसके प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बात। अखिल भारतीय किसान सभा का भूमि अधिकार आंदोलन कह रहे हैं, और भूमि अधिकार आंदोलन जब मोदी सरकार ने जो ऑर्डिनेंस ला के किसान का जमीन छीनने का साजिश किया था उसके खिलाफ लड़ाई के जरिए ये भूमि अधिकार आंदोलन का जन्म हुआ, और ये भूमि अधिकार आंदोलन 3 साल से इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे संयुक्त रूप से, और काल हमारा तीसरा समय हमारा रांची रांची में भूमि अधिकार आंदोलन का तीसरा सम्मेलन हुआ, और इसके जो हम हमारा जो प्रत्येक संगठन है वहाँ सारे प्रतिनिधि हुआ इकट्ठा हुआ था, झारखंड से भी 26 संगठन अधिक था और वहाँ हमारा प्रस्ताव पारित किया। एक तो झारखंड के अंदर जो समस्या है कानून बदलने वाला सरकार, उस सवाल में एक प्रस्ताव हुआ वहाँ लड़ाई होगा, और दूसरे जो तय हुआ जो अखिल भारतीय आंदोलन विकसित हो रहा है, अखिल भारतीय आंदोलन में जो हमारा संघर्ष का आज जो आंदोलन तय हुआ है इस आंदोलन आपको मालूम है ये एक यात्रा के माध्यम से शुरू हुआ है। मंदसौर में हम पहुंचाया था गोली चलने का बाद, और वहाँ सारे संगठन वहाँ से शुरू
आंदोलन किया तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। तो उस आंदोलन में हमारा भूमि अधिकार आंदोलन प्रस्ताव पारित किया कि ये जो संघर्ष कमेटी का जो किसान यात्रा जो पूरा देश में शुरू हो रहा है इस आंदोलन में हम शामिल है, समर्थन करेंगे और भूमि अधिकार आंदोलन इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहयोगिता करेंगे, ये प्रस्ताव हम डाल पाए। तो उसके हिस्सा इस आंदोलन का हिस्सा के रूप में इसमें भी शामिल था। क्योंकि आज एक बात से बताऊँ कि आंदोलन किसान आंदोलन का एक तीन एक फॉर्मेशन है, एक भूमि अधिकार आंदोलन का, एक संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी इस आंदोलन से बना है और एक किसान राष्ट्रीय महासंघ बना, तीन खेमे है। मगर हम लोग एक बात कहते हैं कि हमारा जहाँ कॉमन इशू होगा हम सब सहयोग करें, अलग अलग संगठन है अलग अलग मत रहते हैं, मगर जो कॉमन इशू होगा जो दो इशू पर हम सब सहमत है, इस दो इशू में पूरा सारे किसान आंदोलन हिंदुस्तान का एकजुट होकर किसान की जो नीति है मोदी सरकार का उसके खिलाफ आंदोलन किया। धन्यवाद। जैसा आपने कहा दो मुद्दे हैं जिस पे पूरे देश के किसान संगठन एक आ रहे हैं। देश में तीन बड़े बड़े समन्वय बने, उससे पहले एक और समन्वय बने थे और आज आपके सामने ये सब समन्वय मिल के एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन तय कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा वन नेशन वन फार्मर्स, हम भी ये कर रहे हैं। मैं राजू जी से आग्रह करूँगा कि महाराष्ट्र में जो किसान संघर्ष हुआ है जहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या प्लान है इसके बारे में। महाराष्ट्र में तो कर्ज मुक्ति का आंदोलन पिछले एक साल से हमने चलाया था और तकरीबन 6.5 लाख किसानों से हमने सब जानकारी प्राप्त की थी उसका कर्जा कितना है और वो डिफॉल्ट होने की वजह क्या है। और ये सब लेकर हम महाराष्ट्र गवर्नर को 20 मई को सौंपा था। उसके बाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा जो आंदोलन खड़ा हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, उस आंदोलन के साथ आगे राज्य सरकार को तो जितना पड़ा जितने देखना पड़ा और 34,000 करोड़ रुपए का लोन लेवर का उन्होंने तैयार निकाला। अभी तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने उनको मान्यता दी नहीं है, लेकिन फिर भी 34,000 करोड़ की राशि कम नहीं है। ये तो पहली जीत हमने यहाँ आई है। अब जो उन्होंने शर्तें रखी है उसके बारे में हमारे संघर्ष जारी है। एक तो जो डिफॉल्टर है उनको भी वो पहले हम इसमें सफल हो गए कि वो छोटे किसान बड़े किसान इस तरह से भेद कर रहे थे, तो हमने आपकी साफ साफ कह दी है आपको जितना देना है तो दे दो, लेकिन बड़ा किसान छोटा किसान या मान लीजिए अगर खेती घाटे में है तो जितनी ज़्यादा खेती होगी उतना घाटा ज़्यादा होगा, ये हमारा मानना भी ये हमारा विचार। तो उन्होंने वो तो रिस्ट्रिक्शन निकाल दी, लेकिन आज की तारीख में सरकार ने ये ऐलान किया है कि 1.5 लाख तक जो कर्जा होगा वो 3 लाख होगा होगा तो उसमें 1.5 लाख रुपये सरकार करेगी, बाकी किसान को देना पड़ेगा। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि इसमें कुछ अलग अलग सरकारी नौकरी में काम करने वालों को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। और खास बात यह है कि जो किसान रेगुलर कर्जा वापस करते हैं उनको भी उन्होंने 25,000 रुपये देने का वादा किया है, लेकिन हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक मांग रहे हैं। वो अभी हमारी बातचीत शुरू हो, तो तकरीबन 34,000 करोड़ रुपए देने में तो हम सफल हो गए हैं। पूरे देश के किसान संगठनों में जो आम सहमति हुए दो ही मुद्दे पे हुए, कंप्लीट लोन व्यवहार और स्वामीनाथन के तहत लागत मूल्य से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य, और इसी मुद्दे पे हम सब एक हो चुके हैं। 6 जुलाई से निकलने वाली जो यात्रा है वो 8 जुलाई को महाराष्ट्र में आई, 11 जुलाई तक 10 जुलाई तक वो महाराष्ट्र में रहेगी, धुले नंदुरबार धुले नाशिक होकर वो यात्रा गुजरात में जाएगी। गुजरात की जिम्मेदारी भी हमने ले ली और वो 13
जुलाई को राजस्थान में पहुंची थी। तो इस दौरान महाराष्ट्र में तो यात्रा का जोरदार हम बड़ी ताकत से स्वागत करेंगे। हमारे साथ कर्नाटक के रहित संगठन के नेता चंद्रशेखर, दूसरा एक गुट रहित संगठन का वहाँ का छोटा स्वामी का वो भी हमारे साथ है, वो भी कल उनके साथ मेरी मीटिंग होने जा रही है। बाकी दक्षिण के केरल हो या तमिलनाडु, ये सब किसान नेता भी हमारे साथ, पूरे देश के किसान नेताओं को विस्तृत करके हम यह आंदोलन आगे ले जा रहे हैं। और ये जो 6 जुलाई को निकालने वाली जो यात्रा है, वो यात्रा पूरा देश चला देगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हर एक प्रदेश के लोग अपने अपने व्हीकल लेकर इस यात्रा में शामिल हो रहे। तो 18 जुलाई को जब हम दिल्ली में पहुंचेंगे जंतर मंतर, तो उससे आगे तो घोषणा हम बाकी बाद में करेंगे, लेकिन इसके बाद पूरे देश के किसान एकजुट होकर स्वामीनाथन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने हमें जो आश्वासन दिया था और जो अभी पूरा किया नहीं, जब तक वो आश्वासन पूरे नहीं करते तब तक फिर हम नहीं निकाल रहे। मैं दशरथ भाई से आग्रह करूंगा, आप राजस्थान से आए और जैसे मैंने कहा एक दूसरा ऑल इंडिया समन्वय है, राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप उसकी तरफ से जो किसान समन्वय समिति पूरे देश के लगभग 60 से अधिक किसान संगठनों का समन्वय करके पिछले 3 सालों में सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एक कृषि पॉलिसी पूरे देश की बनी। वो कृषि नीति प्रधानमंत्री जी को प्रेषित की गई। अब कृषि नीति पर अभी कार्रवाई जवाब प्रधानमंत्री का नहीं आया और जन किसान आंदोलन शुरू हुए। तो राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति उन किसान आंदोलनों में गांधी विनोबा जी प्रकाश के विचार को आधार मानते हुए अहिंसा की सत्याग्रह की प्रक्रिया में उन आंदोलनों की परिणति तक साथ रहेगी। वर्तमान में जो 6 तारीख को मंदसौर की यात्रा शुरू होने वाली है, उस यात्रा में हम लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे, सहयोग करेंगे और देश में अपने आंदोलन के बारे में 19-20-21 जुलाई को कोटा में एक राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की कार्य समिति की बैठक है, उसमें तमाम किसान संगठन के प्रति आएंगे, योगेंद्र जी को, शेट्टी जी को, सबको आमंत्रित करके हम लोग वहां से एक नए भारत के निर्माण की बात करेंगे। जो हमने कहा देश का किसान 2 मांगों के लिए लड़ता, धन मुक्ति और गांव पूरे मिलने की, इसके लिए हम लोग अंतिम समय तक प्रधानमंत्री जी को उनका वादा दिलाने के लिए संघर्ष अहिंसात्मक करेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं गांधीवादी से लेके मार्क्सवादी तक सब आइडियोलॉजिकल टेंडेंसीज के किसान संगठन आज 2 मांगों पे सब लोग सहमत, पूर्ण कर्जा मुक्ति और फसल का पूरा दाम, ये 2 मांग लेके तमाम किसान आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। हर एक ध्वनि आ रही है उसी संगठन की तरफ, उसी समन्वय समिति की तरफ से। तो आतंक जी भी हमारे बीच है, हरपाल राणा जी और सत्यकार भारतीय भारत जो हमारे बीच है। मैं आग्रह करूंगा इस वक्त आशीष मित्तल जी से जो ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा की तरफ से दो शब्द आते हैं। जो सवाल पूरे देश के किसानों को सता रहा है, फसल की लागत बहुत ज़्यादा है, दाम घाटे में पहुंचा रहा है, किसान को कर्ज में फंसा रहा है, इसके लिए जो सरकार ने वादा किया था 1.5 गुना रेट देने का और सारा कर्ज माफ़ करने का, और यूपी में तो खास तौर से हर मंच से ये घोषणा की गई थी कि कर्ज पूरा माफ़ किया जाएगा, इस सवाल को लेकर जो आंदोलन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है, हमारा संगठन भी इस समन्वय के साथ जुड़कर पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो ऑलरेडी इन सवालों पर आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों का इस ऑल इंडिया मुहिम के साथ जोड़कर एक देशव्यापी संघर्ष विकसित करने में हमारा संगठन
साथ रहेगा और हम समझते हैं कि ये पूरी सरकार की जो प्रो कॉर्पोरेट और किसानों के साथ जो दोयम दर्जे का जो व्यवहार है उसके खिलाफ अपनी मांगों को हासिल करने के लिए, खेती को जिंदा रखने के लिए, खाद्य सुरक्षा को जिंदा करने के लिए ये आंदोलन चलाए। अब मैं जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के समन्वयक हैं बीएनसी, उनसे कहूँगा कि वो दो मांगों पे प्रकाश डालें, यूपी के बारे में तो बताएंगे, और अमित शाह जी से कहूँगा जो इस समिति के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उनसे कहूँगा कि ये जो यात्रा का प्रोग्राम उसके बारे में कुछ। जैसे आपको मालूम है किसानों का बहुत बुरा हाल है, बहुत दिन से बुरा हाल है, और कहने की तो जरूरत नहीं है कि पहली बार किसानों की जो कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन को, स्वामीनाथन कमीशन नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था जिसके चेयरमैन थे स्वामीनाथन जी, उसको उसका गठन किया। 2006 में रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट कहती है कि हाँ किसान को लागत का रेट नहीं मिल रहा, जो उसकी लागत है प्लस 50% प्रॉफिट, सी टू प्लस 50% किसान को मिलना चाहिए, तभी किसान के पास कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए होगा, गुजारे के लिए होगा, उसका हाल तभी बेहतर होगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल निकल गए रिपोर्ट आने के बाद, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। चुनाव के अंदर मोदी जी आ गए, 2013 से लेकर 14 तक उन्होंने कहा ये आपका काम होना चाहिए था, इससे किसानों की कंडीशन बेहतर होगी, किसान की कंडीशन बहुत खराब है, हमारी सरकार अगर आती है, इंडिया की सरकार अगर आती है, हम इसको लागू करेंगे, पूरी कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू करें या नहीं करें फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट को हम लागू करेंगे जिसमें आपको अपना पूरा खर्चा लागत प्लस 50% मिलेगा। सबसे पूरे देश ने विश्वास करके इंडिया को जिता है, हमारे संगठन ने व्यक्तिगत बीजेपी को दिन रात सपोर्ट करके यूपी में जितवाया, आने के बाद उम्मीद थी कि लागू होगा, लागू नहीं हुआ। जब लागू नहीं हुआ तो उसके बाद 2017 में जब यूपी गए मोदी जी, उन्होंने कहा जब लागत नहीं मिलेगी, कम मिलेगी आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसी तय होगी जिस पर लागत नहीं मिल रही तो कर्जा बढ़ेगा, हर किसान कर्जे में है उत्तर प्रदेश का, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर हमारी पीड़ा देखी, बोले इनका तो कर्जा भी माफ होना चाहिए, बोले कर्जा माफ होगा सबका, होगा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने ये नहीं कहा इस श्रेणी का होगा इस श्रेणी का नहीं होगा, सबके लिए बोल दिया उन्होंने, जो बोला वो उनको एहसास था, 8 साल मनमोहन सिंह ने नहीं किया, 2 साल 3 साल हमने नहीं किया, किसान का कर्जा इतनी बड़ा है तो ये कर्जा माफ करना पड़ेगा, कर्जा इसलिए माफ नहीं हो रहा है जैसे एक मंत्री ने कहा कि फैशनेबल हो गया है, ये इसलिए माफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री की पहचान रहे हैं कि सरकारों की गलती के कारण ये कर्जा बढ़ रहा है, और जब किसान को लागत नहीं मिलेगा तो कर्जा तो बढ़ेगा, और कर्जा माफ नहीं करेगा तो क्या होगा, आत्महत्या होगी। आपको मालूम है मंदसौर के बाद, क्या मैं भोपाल में था 3 दिन पहले, राजू शिक्षा भोपाल में थे, हम लोग पूरा एरिया घूम रहे थे, 34 लोगों ने आत्महत्या करी है मंदसौर के बाद मध्य प्रदेश के अंदर, अभी एक महीना नहीं हुआ 3 हफ्ते में 34 लोगों ने ये रिपोर्टेड है, और जो रिपोर्टेड नहीं है आपको ज्यादा जानते हैं मुझसे, तो इसलिए आज नेशनल लेवल पर हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें हम लोग सब साथ हैं, और जिन संगठनों ने, जिन कोऑर्डिनेशन कमेटीज ने, फेडरेशन ने सपोर्ट किया है, हम उनके सब आभारी हैं, और ये कहते हैं ये लड़ाई हमारी अकेले के लिए, लड़ाई पूरे देश की है, किसान की है, किसान को जिंदा रखने की है, खेती को जिंदा रखने की है, इसलिए सबका धन्यवाद करते हुए ये आश्वासन हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ देते हैं कि आपका तरीका लड़ाई लड़ने का बेशक अलग हो, किसी संगठन से अलग हो, पर हम सब साथ रहेंगे क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा है कि किसान को बचाना। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, प्रधानमंत्री के कहने के बाद मोदी सरकार ने 36,359 करोड़ रुपया ऐलान किया 4 मई के, 4 अप्रैल के योगी सरकार ने ऐलान किया
4 अप्रैल की अपनी पहली कैबिनेट आज कितने महीने हो गए उसके बाद में आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में कर रहा था नोटिफिकेशन आ गया, यूपी में नोटिफिकेशन नहीं आया। ये कह दिया गया 1,00,000 रुपए तक का माफ किया जाएगा, सबका विकास सबका साथ नहीं, अमाउंट भी कम कर दिया पर जो लघु और सीमांत किसान है उनका किया जाएगा। लघु और सीमांत किसान कितने हैं वहां उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कर्जा लिया है 2,15,00,000, किसी का 1,00,000 से कम का नहीं है, तो कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है। 2,15,000 करोड़ रुपया होता है आपका बजट कितना था, 37,164 करोड़, उसमें से 5,630 करोड़ आपने 7,00,000 एनपीए का था उनका अलग निकाल दिया, बचे 30,000 बचे। फिर आपने कह दिया नहीं 2,15,00,000 किसानों को नहीं मिलेगा, केवल 86,00,000 किसानों को मिलेगा, 1,00,000 से कम किसी का नहीं है, तो 86,000 करोड़ हो गया, वो भी आपका नहीं है, आपने किया पर इतना जरूर हो गया आपके वहां करने से पूरे हिंदुस्तान का किसान एक हो गया। हम मोदी जी का योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि अपनी लड़ाई करने के लिए किसान एक मंच पे आ गया है। और आज हम केवल इतना कहना चाहते हैं ये दो मांगे नहीं है, ये दो जरूरतें हैं देश की। अगर किसान आपता रहेगा तो देश को अनाज कौन देगा। एक जमाना था 40 साल पहले अमेरिका से मंगवाया था हम लोगों ने, किसान ने उस जमीन आबाद करके, हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी फसल का रेट, हमें चाहिए मार्केटिंग, हमें चाहिए हमें देश को ना बनाए। और हमारा जो दो डिमांड है वो क्या है, और डिमांड नियंत्रण का जरूरत है हमारी क्या है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल का होगा, हर फसल का होगा 50% प्रॉफिट के साथ हमारी जो लागत होगी उसका होगा, और सरकार पूरे का पूरा फसल अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे मार्केट में है तो पूरा खरीदेगी। ये कोर्ट का आदेश भी हमारे पास से लेना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं लेती है और मिल मालिक कम रेट पे लेते हैं या कोई व्यापारी कम रेट पे लेता है, मिल मालिक मतलब चावल मिल मालिक हो, कोई और फ्लॉक मिल मालिक हो या व्यापारी हो, तो उनके खिलाफ 3/7 का कानून प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है गारंटेड प्राइस, उससे कम अगर खरीदेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये चीजें आज तक नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, हम सब इकट्ठा हैं और इकट्ठा करके इसको लेंगे। और मोदी जी से कहना चाहेंगे, मोदी जी आपने हमारा दर्द देखा, पहचाना, आपने ऐलान किया, अब खून निकल रहा है, मलम पट्टी करने के लिए सामने आओ। और छोटा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दीपावली के लिए आपको, हमने बहुत आत्महत्या देखी है आसपास, ऐसी आत्महत्या नहीं देखी, मुजफ्फरनगर में सबसे मजबूत सबसे खुशहाल डिस्ट्रिक्ट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मजबूती के अंदर, खुशहाली के अंदर, वहां पर जयवीर सिंह ने गन्ने का पैसा नहीं मिला, अपनी बीवी को गोली मारी, 13 साल की बेटी को गोली मारी, 11 साल की बेटी को गोली मारी, 8 साल के बच्चे से कहा आपको मरना चाहता है या भाग जाए यहां से, बच्चा भाग गया, फिर जयवीर ने अपने आप को गोली मारी। ये हालात है किसानों का, इसलिए हम सब जो इकट्ठे हुए हैं ये एक मिशन के लिए, एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मालिक चाहेगा कृषि प्रधान देश के अंदर किसान अपनी जरूरतें के लिए अपना जो भी हक है छीनना सीखेगा। बहुत बहुत आखिर में मैं अमित शाह जी से कहूंगा, जो कि इंडिया किसान आंदोलन के राष्ट्रीय कन्वीनर, कि ये जो किसान मुक्ति यात्रा निकल रही है 6 जुलाई से, उसके बारे में। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया, यात्रा का नाम है किसान मुक्ति यात्रा, ये मंदसौर से शुरू हो रही है 6 जुलाई को, मध्य प्रदेश की चरण में 6, 7, 8 तीन दिन मध्य प्रदेश होके 8 रात को महाराष्ट्र में यात्रा प्रवेश करेगी, 8, 9, 10 दो दिन महाराष्ट्र में, 11, 12 दो दिन गुजरात में, 13, 14, 15, 16 चार दिन राजस्थान में, 17 को उत्तर प्रदेश होके 18 तारीख को हरियाणा के फरीदाबाद के थ्रू जंतर मंतर दिल्ली आके यात्रा पहुंचेगी। लगभग 2000 किलोमीटर का यात्रा है, अभी भी रूट साथियों से बात चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में आपके सामने पूरा रूट, कहां कहां जनसभा होगी, कहां आम सभा होगी, सब आपको बताएंगे। ये है लगभग यात्रा का रूपरेखा। साथियों,
पिछले एक महीने भर आपको ध्यान होगा, 1 जून को महाराष्ट्र में पुणतांबा में, अहमदनगर में और दूसरे जिलों में किसानों की हड़ताल शुरू हुई। आज उसका ठीक एक महीना पूरा हुआ। पिछले एक महीने में इस देश के किसान आंदोलन ने अभूतपूर्व ऊर्जा दी। जगह जगह पे जहां हमें पता भी नहीं था कि कोई संगठन है, वहां रातों रात किसान खड़े हो गए हैं। अपने तरीके से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। अचानक पूरे देश का किसान जाग गया है, पूरे देश में किसान विद्रोह की स्थिति आ गई। पिछले एक महीने में शुरुआत में अलग अलग संगठन बने, अलग अलग समन्वय भी बने, लेकिन ये अद्भुत है और एक तरह से समय की मांग है कि इस अद्भुत, इस ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए एक ऐतिहासिक तरीके से किसान एक आए। और आज हम खुशी से कह सकते हैं कि देश के तमाम किसान संगठन, किसान समन्वय अधिकांश, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, कुछ अभी भी आ रहे हैं, कुछ से बातचीत चल रही है, पूर्वोत्तर के संगठनों को अभी भी हम नहीं ला पाए, उनसे भी बातचीत चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, तो कईयों से बात अभी चल रही है। लेकिन मैं पिछले 30 साल से इस देश के किसान आंदोलनों को व्यक्तिगत रूप से देखता रहा और पिछले 30 साल में किसान आंदोलनों का इतना बड़ा समन्वय नहीं हुआ है जैसा कि आज हो रहा है। और ये जो किसान यात्रा, किसान मुक्ति यात्रा, जो किसान को घाटे से मुक्त करवाने और कर्जे से मुक्त करवाने की यात्रा है, ये यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक अनुष्ठान है भारत के किसान आंदोलन के इतिहास। और ये यात्रा आके 18 तारीख को दिल्ली में समाप्त होगी। आप जानते हैं 18 तारीख को संसद का अधिवेशन शुरू होगा, 17 को हो जाएगा, 17 को तो सिर्फ प्रेजिडेंशियल वोटिंग होगी, कंडोलेंस प्रेजिडेंशियल वोटिंग है, सब 18 को वास्तव में संसद का अधिवेशन शुरू होगा। तो ये जो यात्रा है ये यहाँ दिल्ली में समाप्त होकर एक मोर्चे में तब्दील हो जाएगी। जंतर मंतर पे हम जाके बैठेंगे तो हमारा एक इस यात्रा का पहला चरण दिल्ली में आके समाप्त होगा, जिसके बाद हम धरना रखेंगे यहाँ पे इन दो सवालों को लेकर, और उसके बाद यात्रा के दूसरे चरण के बारे में आपको सूचना देंगे। तो इस बड़े उद्देश्य को लेकर और दो मुद्दों को लेकर पूरे देश के किसान संगठन एक आ रहे हैं, इसके बारे में आपको सूचना देना चाहते थे। और ये देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक अभूतपूर्व घड़ी है और हमें विश्वास है कि ये जो संघर्ष का दौर, इससे किसान वो हासिल कर पाएंगे जो पिछले 15-20 साल में किसानों को हासिल नहीं हुआ। कोई प्रश्न हो आपको?